सोमवार को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदित्य ने संविधान बचाओ देश बचाओ रैली को लेकर एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया कि 18 दिसंबर इसकी शुरुआत होगी। उन्होंने ये भी बताया कि पार्टी कार्यालय से लेकर हजरतगंज जीपीओ तक ये रैली आएगी। राष्ट्रीय महासचिव ने जानकारी दी कि कैब के विरोध में ये रैली होगी। प्रदर्शन करने की हम लोगों ने बात की है, इसीलिए हम लोग यदि सिर्फ लखनऊ में करेंगे, आगे चल के इसकी क्या भूमिका होती है। मैं मान समझता हूँ किसी भी देश के अंदर, चाहे कोई भी देश, छात्रों के साथ अगर इस तरीके का व्यवहार होता है, ये डेमोक्रेसी की धज्जी उड़ाने वाली बात है। हर किसी को हक है, एक डेमोक्रेटिक देश के अंदर हर किसी को हक है अपनी बात रखने का, लेकिन इस तरीके से कमरों से हॉस्टलों से निकाल निकाल के अगर युवाओं को मारा जाएगा तो आप कैसे देश को बनाने की परिकल्पना कर रहे हैं, किस देश को बनाने की, किस भविष्य की आप बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इस देश को आगे तो छोड़िए पीछे ले जाने का इस समय की मौजूदा सरकार ने काम। सर, ये जो रैली है लखनऊ में ही है, इसके अलावा और कहीं देखिए? हम लोग इसको पूरी तरीके से सिर्फ लखनऊ में कर रहे हैं, ये सभी हम लोगों का सिर्फ जो प्रदर्शन है वो सिर्फ लखनऊ में होगा। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे अलाइव 24 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।